हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलायंस। में आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एंजल नंबर 77 को लेकर के। फ्रेंड्स, एंजल नंबर 77 एक्चुअल में आपको बहुत पावरफुल मैसेजेस देते हैं। ये आपको मैसेज देता है कि आपके अवेकनिंग में जो भी बाधा इस वक्त में आ रही है वो आपके रिस्ट्रिक्शंस रिजल्ट एनर्जी की वजह से आ रही है। एक्चुअल में ये नंबर आपको हमेशा नहीं दिखता क्लियर। जब आप अपने स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क में एंटर करने वाले होते हो, जो आज आप कर रहे हो, जब आपने पहले इन सब चीज़ों में एंटर किया या आपकी अवेकनिंग चल रही थी, तभी बस आपको ये नंबर का प्रोजेक्शन होगा, तभी आपको ये नंबर दिखाई देगा। ठीक है जी, एक चीज़ और ये एक्सप्लेन करती हूँ डियर, कि जिस वक्त में आपको अपनी लाइफ के ऐसे बड़े डिसीजन लेने होते हैं, यानी कि जैसे आप कोई करियर स्विच कर रहे हो, है ना, 3D से 5D टैपिंग, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो भी चेंज आ रहे होते हैं, उन चेंजेस के प्रति डिवाइन आपको बोल रहे होते हैं तुम ये चेंजेस करो और आपके साथ में चीज़ें बेटर की जाएंगी, पॉजिटिव होंगी। रीज़न, क्योंकि डिवाइन है देखने वाले। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको अवेकनिंग के सिम्टम्स के समय पर या जिस भी परसेंटेज पर, जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, स्पायरल जर्नी होती है, एक जगह रहकर ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो इन जर्नीज में एक्चुअल में डियर, जिस वक्त आप एक फेज को कंप्लीट करते हैं, दूसरे फेज में आप एंटर कर रहे हो, तो उस वक्त भी कुछ परसेंटेज की आपकी अवेकनिंग होती है। तो आपको 77 नंबर के प्रोजेक्शन या 77 के प्रोजेक्शन उस वक्त बहुत ज्यादा होते हैं। जो सोल्स को आज 77 के प्रोजेक्शन हो रहे हैं, मानकर चलिए कि इस वक्त में इनका अवेकनिंग का या तो दौर बहुत कहना चाहिए कि कंप्लीट हो चुका है, कुछ परसेंटेज और होना है, या फिर अवेकनिंग दूसरे फेज की इनकी इस वक्त में जरूर स्टार्ट होगी। ठीक है जी, तो बहुत प्रोमिनेंट मैसेजेस हैं। ये मैसेजेस आपको बता रहे होते हैं कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आप इसको रिजेक्ट नहीं कीजिए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करने के मैसेज ये नंबर आपको देता है। ठीक, आपको बोला जा रहा होता है कि डिवाइन के ऊपर जितना आप ट्रस्ट करोगे उतनी जल्दी रिजिडिटी हटेगी। वहाँ पर क्या होता है ना, जब बड़े डिसीजन ऐसे ले रहे होते हैं, जैसे कि व्यक्ति 3D से 5D में टैप कर रहा होता है, तो उसको नहीं मालूम कि चलो ठीक है, आज तो मैं 3D के काम छोड़ने उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है कि अब छोड़ दिया, अब क्या करूँ, है ना, यानी कि 5D में अब क्या करना है, अब ये कर लिया, ये कर लिया, आगे का फ्यूचर क्या है, यानी फ्यूचर फॉरकास्ट बहुत ज़्यादा करते हुए, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हुए वो 3D की इन सारी चीज़ों को छोड़ नहीं पाता। तब जाके उसको ये मैसेज मिलता है कि तुम छोड़ दो, जो आगे चीज़ें होंगी वो गाइडेड होंगी, और जो गाइडेड होगी वो बिल्कुल डिवाइन अपने आप देखते हैं फिर उसको। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपने लिए ही रेजिस्टेंस पैदा नहीं करें, आप अपनी ही बाधा खुद के लिए न बने, ऐसा मैसेज आपको 77 नंबर देता है। ठीक है जी, जिस वक्त आपको ये नंबर दिखाई दे, मानकर चलिए आपको उसी वक्त में समझ जाना है कि डिवाइन हमसे चाहते हैं कि हम फ्लो में एक बार चीज़ों को ओके करें, और दूसरा डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रख करके चीज़ें ओके करें। तीसरा, आपको इस वक्त में स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क भी ज़्यादा करना होता है डियर, क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है कि जो आपको कम समय में निकाल सकता है अगर आप चाहें तो। डार्क नाइट के टाइम से जो सोल्स इस वक्त में गुजर रही होती हैं, पेन से गुजर रही होती है, इंजरी से गुजर रही होती हैं, इस वक्त में मानकर चलिए आपको बोला जा रहा है कि एक बार आप लग करके इनर वर्क करेंगे, डेडिकेशन के साथ इनर वर्क करेंगे, फ्लो के साथ इनर वर्क करेंगे, तो आपकी ये चीज़ें कुछ ही समय में हील होंगी, कुछ ही समय में बाहर आएंगी। ये वो समय होता है जो किन्हीं सोल्स को 2-3 ईयर्स में बाहर निकाल देता है, और वो व्यक्ति अपने अवेयरनेस में टैप करता है, और जो नहीं इन मैसेजेस को कैच कर पाता, यानी कि नहीं पकड़ पाता डिवाइन ने क्या कहा है, अभी क्या मैसेज है, अभी क्या करना है, तो वो व्यक्ति 10 साल 20 साल ज़्यादा भी फंसा रहता है ये चीज़ों में। क्यों? क्योंकि वो अपने अटैचमेंट से दूर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो चीज़ों को पकड़ कर रखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको फ्यूचर के फोरकास्ट, फ्यूचर वो जो फोरकास्ट कर रहा होता है, उसे उसकी तकलीफ होती है कि अरे फ्यूचर में कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, वो छोड़ नहीं पाता है इस सारी चीज़ों को, डिवाइन के ऊपर टोटल ट्रस्ट नहीं कर पाता है, इसकी वजह से ऐसा होता है, उसको डर होता है फ्यूचर में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी तब्दीली आती है, जब भी आपको नंबर दिखाई पड़ता है तो बड़ी तब्दीली आती है, जैसे कि आप अगर आप कुछ राजसी भोजन खाते हो तो आप सात्विक भोजन की तरफ शिफ्ट करते हो, अगर आप कुछ जॉब करते हो और आपकी ज़िंदगी में हीलिंग आनी है, ठीक है, और डिवाइन गाइडेड वर्क आपको करना है, तो आप अपना जॉब को छोड़कर कंप्लीटली स्पिरिचुअलिज्म में, अकल्ट साइंस में टैप कर रहे होते हो, ठीक है, जहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की नॉलेज से दूसरे और अपने लाइफ में इंक्लूडेड लोगों की हेल्प करनी होती है, तो काफ़ी सारे बड़े चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस के लिए रेजिस्टेंस पैदा नहीं करेंगे, ये मैसेज आपको प्रोमिनेंट 77 नंबर देता है। तो फ्रेंड्स, आई होप
ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।